हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। दिल की बात आपके साथ में आपका बहुत सारा स्वागत है गाइस। जैसे कि ये फरवरी मंथ आ चुका है और जल्दी जल्दी गया भी, जैसे आया वैसे चला भी गया। यार देखा जाए तो फरवरी में ओनली 28 डेज होते हैं, तो वो कहाँ कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। मतलब फरवरी यूं आया और यूं गया, क्या कर सकते हैं। लेकिन आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने फरवरी मंथ में क्या किया, आप लोग सब कैसे हो, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, मुझे जानकर बहुत अच्छा लगेगा। बाय द वे कल शिवरात्रि है और मैं शिवरात्रि का फास्ट रखती हूँ। मैं क्या, मेरे हस्बैंड भी फास्ट रखते हैं और कभी कभी कशिश भी रखती है, लेकिन कल कशिश का स्कूल है तो मैं चाहूँगी कि वो ना रखे, क्योंकि अगर वो फास्ट रखेगी तो स्कूल में परेशान हो जाएगी। तो अच्छा ही रहेगा कि वो ना रखे कल फास्ट। अगर वो घर पर होती है तो मैं उसको कोशिश करती हूँ कि वो भी फास्ट रखना सीखे कि फास्ट होता क्या है। हमें याद है हमने बचपन में बहुत सारे फास्ट रखे हुए हैं और अब जाकर थोड़े कम कर दिए हैं मैंने फास्ट। पहले मैं काफ़ी फास्टिंग कर लेती थी लेकिन अब इतना फास्टिंग नहीं कर पाती। लेकिन मैं चाहती हूँ कि कशिश को थोड़ा थोड़ा हैबिट हो जाए कि फास्टिंग होता क्या है, तो इसलिए मैं कभी कभी उसे, जैसे वो जन्माष्टमी का फास्ट रखती है और कभी कभी शिवरात्रि का भी रख लेती है हम लोगों के साथ, तो मुझे अच्छा लगता है। एक्चुअली बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो नहीं कर पाते वो लोग फास्टिंग, ये तो बात ट्रू है, क्योंकि कशिश स्कूल के बाद स्पोर्ट्स में भी है तो काफ़ी लेट आती है उसकी वजह से, तो वो मॉर्निंग को जाती है एंड देन वो इवनिंग तक ही आ पाती है, 5:30 और 6 o'clock के बीच में, तो उसके लिए बहुत टफ हो जाएगा कल फास्ट करना। लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड जरूर करने वाले हैं, आप लोग भी करने वाले होंगे आई एम श्योर। तो मुझे बताइए कि आप में से कौन कौन फास्टिंग करने वाला है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। एंड फ्रेंड्स, मैंने हाल ही में एक आई शेडो पैलेट खरीदा था, अगर आपने मेरी हॉल वीडियो देखी हो तो आपको ज़रूर मालूम होगा कि मैंने ये मेबलिन का 24K न्यूड आई शेडो पैलेट खरीदा था। आप में से काफ़ी लोगों ने मेरे को इस पे रिव्यू करने के लिए बोला और मैंने इसका इंस्टाग्राम पर भी फोटो अपलोड किया था, तो वहाँ पर भी काफ़ी फ्रेंड्स ने मेरे से बोला कि आप प्लीज़ इसका रिव्यू वीडियो डालिए, तो मैंने आज ये वीडियो शूट कर लिया है। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्द से जल्द उसको एडिट करके एंड देन अपलोड कर सकूँ। और ये था वो मेकअप लुक जो मैंने इसके साथ क्रिएट किया है, आप देख सकते हो, तो ये मेकअप लुक मैंने इसी आई शेडो पैलेट से क्रिएट किया है। तो मैं इसके बारे में अपने थॉट और डेमो सब कुछ शेयर करने वाली हूँ कि वेदर आई लाइक इट और नॉट। मैं आपकी रिक्वेस्ट बिल्कुल नहीं भूली थी, मुझे मालूम था कि आप लोगों को इसका रिव्यू वीडियो देखना था। आपको यकीन नहीं आएगा कि मैंने पहली बार मेबलिन का आई शेडो पैलेट खरीदा है। आई थिंक मेबलिन का एक न्यूड पैलेट आता है जो कि काफ़ी फेमस है, हर कोई मतलब सोशल मीडिया पर वो छाया रहता है हमेशा, लेकिन मैंने वो भी कभी ट्राई नहीं किया। तो मैंने सोचा कि ये पैलेट मार्केट में नया आया है और इसके शेड्स भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो क्यों ना इसको ट्राई किया जाए। तो मैंने इस पैलेट को खरीद लिया और एंड ट्राई भी किया, पता नहीं, लेकिन ये तो मैं आपको अभी नहीं बताने वाली, ले इसका रिव्यू मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो आप उसके साथ जुड़े रहना। हो सकता है कि वो वीडियो इससे पहले मैं अपलोड कर दूं, तो ये भी हो सकता है। के अलावा आपके पास कोई मेरे लिए स्पेशल रिक्वेस्ट हो या आप किसी स्पेशल टॉपिक पर मुझसे वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, एंड आई वुड लव टू डू दैट फॉर यू गाइस। और आजकल मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, मुझे लगता है कि आप लोगों ने भी ज़रूर नोटिस की होगी इस चीज़ को, कि ग्लो सीरम की जो वीडियो है, हाउ टू मेक ग्लो सीरम, ये वीडियो पूरी यूट्यूब पे इसने धमाल मचा रखा है। हर कोई अपनी यूट्यूब पर ग्लो सीरम की वीडियो बनाना चाहता है और बना भी रहा है और डाल भी रहे हैं। लेकिन गाइज, ग्लो सीरम की वीडियो आप बना कहते हैं ग्लो सीरम की वीडियो बनाना एक अलग बात है, लेकिन मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है इसके साथ साथ, कि ग्लो सीरम की वीडियो कोई जैसे कि 100 रुपीज़ में बना रहा है तो दूसरा उसको 50 में बना रहा है, तीसरा उसको 20 में बना रहा है, तो कोई चौथा आकर उसको केवल 10 रुपीज़ में बनाकर दिखा रहा है कि 10 रुपीज़ में आप देखिए मैं आपको ग्लो सीरम बनाना दिखाऊंगी। एंड मुझे तो डर है कि कुछ दिन बाद लोग 5 रुपए में ग्लो सीरम का वीडियो ना डालना स्टार्ट कर दे, कि केवल और केवल 5 रुपए में ग्लो सीरम बनाइए घर बैठे ही, और उसके साथ साथ कहीं ऐसा ना हो कि गुरुद्वारे में जैसे लंगर नहीं मिलता है वैसे ही लोग कहते हैं गुरुद्वारे और मंदिरों में ग्लो सीरम बांट रहे हो कि लो भाई ग्लो सीरम टोटली फ्री फ्री फ्री। मीन हो क्या गया है, लोगों को ग्लो सीरम बनाना है और वो भी इतनी होड़ में बना रहे हैं कि एक दूसरे के लिए होड़ में, कि मुझे उससे सस्ते में बनाना है, मुझे उससे कम में बनाना है, और दूसरे को लगता है नहीं मुझे तो इससे भी कम में बनाकर दिखाना है। ये चल क्या रहा है आखिरकार।
मुझे नहीं मालूम ये किस तरीके का कंपटीशन इस टाइम यूट्यूब पर चल रहा है कि हर किसी को एक दूसरे से सस्ता ग्लो सीरम बनाकर यूट्यूब पर वीडियो डालनी है। आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मुझे ये दिल की बात आपके साथ रखनी चाहिए, तो मैंने इस वीडियो के थ्रू आपके साथ ये बात करनी चाही। आई होप आप लोगों ने भी ये चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी यूट्यूब पर, काइंड ऑफ ग्लो सीरम का वायरल चल रहा है पूरे यूट्यूब पर, आई वुड से लाइक दैट। यस फ्रेंड्स, आप लोगों को मालूम है कि मेरी फर्स्ट हॉबी क्या है। आई नो यू गाइज मस्ट बी थिंकिंग कि मेरी फर्स्ट हॉबी जो है वो मेकअप है, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी फर्स्ट हॉबी मेकअप नहीं है, मेरी फर्स्ट हॉबी है डांसिंग। या आई लव डांसिंग अ लॉट, मुझे डांस करना बहुत पसंद है। जब भी मैं खाली टाइम में होती हूँ, मुझे डांस करना और कशिश के साथ डांस करना बहुत पसंद है मुझे। मतलब मेरे लिए फर्स्ट है, सबसे पहले मेरे लिए डांसिंग है, बाद में मेकअप और ये सब चीज़ें आती है। मुझे डांसिंग बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं खाली टाइम में कशिश के साथ मिलके डांस करना पसंद करती हूँ, और मुझे डांस करके इंजॉय करना बहुत पसंद है। मैं कभी कभी खाना बनाते समय भी डांस करने लगती हूँ, मतलब मुझे डांस बहुत पसंद है। सो डांसिंग जो है वो मेरी पहली हॉबी है और मैं डांसिंग के बिना नहीं रह सकती। आई जस्ट लव डांसिंग गाइस। आपने मेरा थोड़ा सा डांस का क्लिप तो देखा ही होगा, तो मैंने गेट रेडी विद मी काइंड ऑफ वीडियो थी आई थिंक, हाँ वैलेंटाइन मेकअप ट्यूटोरियल में मैंने एक छोटा सा क्लिप डाला था। होप वो वीडियो आपको पसंद आया होगा। हाँ मुझे याद है कि आप लोगों को वो वीडियो पसंद ही आया था, क्योंकि आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बोला था, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप मेरी वीडियो को ऐसे ही लाइक करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, मेरे को मोटिवेशन देते रहिए, और आपके प्यार भरे कमेंट्स जब मुझे मिलते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ मुझे आगे इससे भी अच्छी वीडियो बनानी है और इससे भी अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करनी है। और नो, मेरे कोई बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर तो नहीं है, लेकिन जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनमें सबसे अच्छी बात यह है कि वो सभी लोग मेरे को पसंद करते हैं, मेरी वीडियो को लाइक करते हैं और उन पर अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हैं। तो उनसे जो मुझे मोटिवेशन हमेशा मिलता रहता है कि आगे इससे भी अच्छी वीडियो मैं उनके लिए बनाऊँ और इससे भी अच्छी वीडियो मैं उनको दे सकूँ। आप सभी लोग हो जो मुझे मोटिवेट हमेशा करते रहते हो, और थैंक यू गाइज सो सो मच। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ और मैं अब आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, दिल की बात आपके साथ, नेक्स्ट मंथ। बाय बाय, लव यू।